हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, राज कुंद्रा केस में कल मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के घर पर, राज कुंद्रा के घर पर कल छापा मारा। दोस्तों, कई डिजिटल गैजेट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स को जब्त किया गया, जो कि एक पोटेंशियल एविडेंस है, जिससे कि ये खंगाला जाएगा कि भैया ये जो पॉन रैकेट चलता था, पेमेंट आता था, बातचीत होती थी, इसका डेटा कहाँ है, कौन से सर्वर पर है, कौन कौन सा मेल आईडी यूज़ हुआ है, व्हाट्सअप और तो और नहीं है, कहीं और तो सोशल मीडिया चैनल के थ्रू तो ये प्रोसेस नहीं हो रहा था, ऑनलाइन बेटिंग कैसे होती थी, ये सारा कुछ अब डिजिटल गैजेट से डेटा को रिस्टोर किया जाएगा। दोस्तों, इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच ने काफ़ी सवाल शिल्पा शेट्टी से पूछे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये 10 सवाल। दोस्तों, आप इसको पढ़िए कि क्या पूछा, इतने तीखे तीखे सवाल शिल्पा शेट्टी से पूछा गया है, आप एक बार पढ़िए। दोस्तों, अब दूसरा दोस्तों सवाल पढ़िए। फिर से पढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों, आपने पढ़ा है कि क्या तीखे सवाल पूछा गया है शिल्पा शेट्टी से। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने एक बीच में एक प्लॉट भी सेल आउट किया था, उसके बारे में भी पूछा गया है शिल्पा शेट्टी की कि वो क्यों बेचा गया, क्यों उसका फंड कहाँ पे यूज़ हुआ है। दोस्तों, इसमें शिल्पा शेट्टी ने क्लियर कट कहा है कि मेरे हस्बैंड को इसमें फंसाया जा रहा है, राज कुंद्रा को, उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। दोस्तों, हमने जो ये ऐप था, ये बहुत पहले ही सोल्ड हो चुका था 2019 में, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है, इनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ राज कुंद्रा ने ये कर दिया है कि जो मेरे जीजा हैं वो ये सब मामला यूके में, लंदन में बैठ के संभालते थे, ये राज कुंद्रा ने कहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट राज कुंद्रा के लॉयर दे देते हैं कि भैया ये पॉर्न फिल्म थोड़ी बनाते थे, ये तो वल्गर वीडियोज़ है, वल्गर फिल्म है, इसको आप पॉर्न नहीं बता सकते। तो इतने ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी आपस में ये लोग क्रिएट कर दे रहे हैं, तो क्या पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि भाई वल्गैरिटी और पॉर्न में डिफरेंस क्या होता है। अब ये हमें राज कुंद्रा के लॉयर से सीखना पड़ेगा, आम जनता को भी, कि भैया पॉर्न फिल्म और वल्गैरिटी में डिफरेंस क्या होता है, ये पुलिस को भी नहीं पता है। पुलिस ने क्लियर कट बताया है कि भैया ग्लोबल पॉर्न रैकेट के मास्टरमाइंड है राज कुंद्रा। पुलिस ने ये भी बताया था कि राज कुंद्रा को ये लग रहा था कि जो आने वाला फ्यूचर अडल्ट कंटेंट्स का हो सकता है लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे हम गेम्स का करते हैं, मूवीज़ का होता है OTT प्लेटफॉर्म, वैसे अडल्ट वीडियोस का भी लाइव स्ट्रीमिंग एक आने वाला फ्यूचर है, ये पुलिस ने कहा है। अब इसके भरोसे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कितने सारे हमें चैट मिलने दोस्तों मिले, बैंक स्टेटमेंट मिल गए, अब क्या प्रूफ चाहिए। दोस्तों, इस पे जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा पहले की तरह। चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करिए और कमेंट करिए प्लीज़।